बहुत दिनों से आप लोग को भी इच्छा थी कि हमारे साथ कुछ सवाल जवाब आप लोगों को के पास थे, उसका जवाब आप लोग सुनना चाहते थे। और कई बातें तो कुछ छोटी बड़ी बातें हम लोगों ने चलते चलते किया भी है, लेकिन आज थोड़ा हमने समय निकाला और इस का जो मुख्य उद्देश्य बेसिकली हम लोगों ने जो आप लोगों के साथ रूबरू होने के लिए विचार रखा है वो था कि आप सबको मालूम है कि अभी वर्तमान में राज्य में सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 12 तारीख से हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं और ये अभी एक महीने तक लगभग इस कार्यक्रम को मिशन मोड में चलना है। हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा जो पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था लगभग 6,000 शिविरें लगी थी और 35 लाख से अधिक आवेदन हमें प्राप्त हुआ था और काफ़ी सक्सेसफुल वो कार्यक्रम रहा। और उसी को ध्यान में रखकर जो सरकार राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, किसान, मजदूर, बेरोजगार, छात्र छात्राएं, बूढ़े बुजुर्ग सब लोगों के लिए क्या क्या काम करती है, उन सब का एक जो पूर्व की जो योजना थी उसका एक बड़ा स्वरूप बनाकर पुनः राज्य के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न पंचायतों में, लगभग 4,500 पंचायतें हमारे राज्य में हैं और लगभग 2 दर्जन के लगभग नगर इकाई, पंचायत, नगर निगम वगैरह मिला करके 1.5-2 दर्जन हमारे शहरी क्षेत्र हैं। इन सब के लिए हमने ये योजना प्रारंभ किया है उसको लेकर है। और जैसा हम लोगों ने पिछले बार 6,000 के लगभग हम लोगों ने शिविरें लगाई थी, उसी प्रकार ये 6,000 के लगभग इस बार भी शिविरें लगेंगी और लगातार शिविरों में जो आवेदन आ रहे हैं, पहले दिन ही लगभग 1,30,000 आवेदन सरकार को प्राप्त हुआ जिस दिन हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया पूरे राज्य में। और आज लगभग शिविर के माध्यम से बड़े पैमाने पर बड़ी तेजी से लोगों के आवेदन आ रहे हैं, इस संदर्भ को लेकर है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।